कि भाजपा सबसे अच्छी पार्टी है आज के परिप्रेक्ष्य में, कोई उसमें शक की बात नहीं है। लेकिन यहाँ के हमारे जो नेता हैं, लोकप्रिय नेता धनंजय सिंह हैं, उनके जैसा वास्तव में किसी पार्टी में दूसरा नेता नहीं दिखता। नमस्कार, मैं आयुष, आप देख रहे हैं राजतंत्र टीवी। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर लोकसभा के मई ग्राम सभा में। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर इनकी क्या राय है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है? अनंत कुमार मिश्रा। जी मिश्रा जी, अभी जो आगामी लोकसभा चुनाव है महज कुछ ही दिन शेष बचा है, संभवतः अप्रैल तक, जो सूत्रों की माने तो अप्रैल में चुनाव होना है, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे केंद्र में, फिर से मोदी, फिर मोदी होंगे। मतलब इस बार जीत की हैट्रिक लगा, हैट्रिक ना, 400 पार जाएंगे इस बार। इस बार 400 पार, हाँ ठीक है। वो तो बात रही केंद्र की, अब बात कर लेते हैं अपनी लोकसभा जौनपुर की। तो कोई ऐसा चेहरा यहाँ पे भाजपा तरफ से, भाजपा की तरफ से कोई ऐसा चेहरा जो जौनपुर का लगता है कि सबसे बढ़िया बेहतरीन विकास कर सकता है, कोई ऐसा चेहरा अभी तक? हमारे यहाँ विकास माने में धनंजय सिंह यहाँ सबसे पहले ज़्यादा काम किए हैं। विकास के मामले में धनंजय सिंह ने सबसे ज़्यादा काम किया, क्यों धनंजय सिंह? क्यों धनंजय सिंह? हमारे लोकसभा में, विधानसभा में वो रहे हैं, हम लोग देखे हैं हैंड पाइप, गरीबों का मदद हर ढंग से कर देते। अगर बात करें यहाँ के वर्तमान सांसद की, श्याम सिंह यादव की, कैसा कार्यकाल रहा उनको? आज तक हम सब देखब कार्यकाल के बात ही छोड़ा, उनका चेहरा ना देखे तब। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि लोग उनसे एकदम, एक तरह से कह सकते हैं, खिन्न हो चुके हैं? संभवतः हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिस भी विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों का यही कहना है कि हमने तो उनका चेहरा ही नहीं देखा, आज तक ना देखे सर उनका चेहरा। ठीक है, मानते हैं वो क्षेत्र में नहीं दिखे, क्या आप अपने किसी काम के पर्पज से कभी गए? कभी नहीं गए, उनको देखे नहीं, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, कहाँ उनका ये भी जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी नहीं। तो अगर बात करें धनंजय सिंह की, संभवतः जिस हिसाब से प्रचार प्रसार हो रहा है जिले में, माना जाए कि ऐसी उम्मीद लगती है मुझे, मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ, कि अगर वो किसी पार्टी से भी नहीं आएंगे तो मुझे लग रहा है लड़ेंगे। अब देखा है, अब तो उनका मर्जी वैसा है, प्रचार तो उनका अभियान चालू हुआ। जी जी, क्या जितना लीड कर लेते हैं उतना लीड अगर उथा से आ जाए किसी सिंबल्स पार्टी अगर दे, इनके जैसा कोई क्षेत्र में काम ही नहीं कर सकता। इतने दावे के साथ, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर हर समय जलता था, लेकिन कोई काम करने के लिए सपा के यहाँ पारस थे लेकिन काम नहीं किए, लेकिन एक आखिर वो किसी विभाग में रहे या ना रहे। अच्छा, वर्तमान में अभी उनके बेटे यहाँ से विधायक हैं, उनका कार्यकाल, लेकिन उन सबसे हमारा कोई जमता नहीं, न हमारी सुनी जाती है यहाँ, इसलिए हम लोग करते नहीं। हमारा सबको जो सुनने वाला जमना न जमना न जमना, ये बात की बात होती है, नेता सबका होता है, होता है, ठीक है। तो लेकिन बात करें धनंजय सिंह की, तो इस बार अगर वो जौनपुर लोकसभा से सपा से अगर टिकट पा जाए तो क्या रहेगा? सपा से पा जाए अच्छी बात है भाई, पारस जब सांसद थे या विधायक थे कभी कटे नहीं, हर समय वो रहे थे, अगर ना तो विधायक थे तो सांसद जरूर थे, उनकी बनाई। आपका नाम? राम स्वरथ। राम स्वरथ जी, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, राजनीति का काफी अनुभव होगा और जौनपुर का तो खासकर बहुत ही ज्यादा अनुभव होगा। इसके श्याम सिंह वर्तमान सांसद भैया यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे, चेहरा ही नहीं है। इसके पूर्व केपी सिंह, वही हाल भाई, यहाँ दिखाई नहीं पड़ते। अच्छा, केपी सिंह जब बीजेपी सांसद थे वो दिखे नहीं? नहीं, यहाँ खड़ा ना होते, बल्कि धनंजय सब मिलजुल। और केपी से पूर्व 2009 में बसपा से सांसद धनंजय सिंह थे, तब उनका कार्यकाल कैसा? वो धनंजय तो विजय हैं उनका, हरदम वो आई ना इलेक्शन रहे तब हाथ जोर खड़ा हो जाए, मिल ही जुल भैया बाबू से। अच्छा, ऐसे मतलब आते हैं कोई चुनाव पर्पज से वो नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, और बाद में कोई काम होता है बुलाते हैं, आ जाते हैं। जी, आपका नाम? प्रमोद सिंह। प्रमोद सिंह, क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है अगर धनंजय सिंह लड़ेंगे तो भाई तब तो यहाँ की सीट बीजेपी नहीं निकाल पाएगी। धनंजय सिंह ही क्यों, भाजपा से 64 लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो आखिर में इसी शख्स का नाम क्यों आता है सबकी जुबान पे?
इसलिए आता है कि धनंजय उस काबिल नेता हैं। क्या काबिलियत है? हर काबिलियत है, अगर वो सांसद रहें या विधायक रहें या ना रहें, फिर भी चले जाओ तो कोई काम कराने के लिए वो उतना करवाने वाले नेता हैं हर काम। जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं जिले में उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, अगर वो निर्दल आ जाएं तब? निर्दल आ जाएंगे तो मुश्किल है निकलना, लेकिन फिर भी तो दूसरी पार्टी हरा ही देंगे, नहीं निकल पाएंगे। जी क्या नाम है? राम मिलन बिंद। वोट करते हैं? हाँ। दो महीने बाद वोट करना है? हाँ करना। किसको करेंगे? हमारा खुला ऐलान है धनंजय सिंह कर दो। खुला ऐलान है धनंजय सिंह? ऐसे क्या बात है धनंजय सिंह? हमारे में एक खासियत है को हमारे साथ है, बच्चे बचपन से हमारे साथ में वो रहते थे। बचपन? अच्छा मित्र हैं क्या? हाँ हम साथे रही तो थे। अपने मित्र से आप कभी मिले? मिले थे, हम बरोबर संपर्क करत रहे, बातचीत करत रहे थे। काम काज? काम आज तक उनके लगे हम काम बदे कहे नहीं आई बाटी कोनो बात। ये एक नाते कि हमारा सुनवाई जहाँ हम फोन करें तुरंत होती है। अच्छा फोन से उनसे बात होती है क्या? हाँ डायरेक्ट बात कर? डायरेक्ट बात करी थी। वाह क्या बात है, मित्र हो तो सर। और हमारे साथ इधर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है? विनोद मिश्रा। विनोद मिश्रा जी, जौनपुर की राजनीति में इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है? जौनपुर की राजनीति सर ऐसा है कि धनंजय सिंह का नाम लोग ले रहे हैं, वास्तव में लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय जनप्रिय जन के बिल्कुल जो भी जाता है उसका काम करते हैं, काम करते हैं। और तो अभी वर्तमान में संभवतः यहाँ से उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष भी। जी जी जी। तो उनका कार्यकाल कैसा? अच्छा ही है। हाँ अच्छा है। तो अगर धनंजय सिंह इस बार सपा से टिकट पा जाएं तो क्या लगता है? भाई सपा से टिकट पाएंगे तो वोट बैंक और तो अच्छा पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि उनके लिए पार्टी मायने ज़्यादा नहीं है, उनके लिए लोग उनके प्रति आकर्षित रहते हैं, उनके स्वभाव से उनके काम से। भाई पार्टी के हिसाब से आएंगे तो हो सकता है जो भाजपा के हैं उनकी तरफ न झुका हो उनका। भाजपा से भी तो 64 लोग लगे हैं टिकट की दावेदारी में। देखिए भाजपा सबसे अच्छी पार्टी है आज के परिप्रेक्ष्य में, कोई उसमें शक की बात नहीं है, लेकिन यहाँ के हमारे जो नेता हैं लोकप्रिय नेता धनंजय सिंह हैं, उनके जैसा वास्तव में किसी पार्टी में दूसरा नेता नहीं दिखता, तो इसलिए वो किसी भी पार्टी से आएंगे या निर्दल भी आएंगे तो वोट बैंक तो उनका है, जीत हार अपनी जगह है। अच्छा वो वोट बैंक है, मान लीजिए वो निर्दल आ जाते हैं तो क्या लग रहा है किसको नुकसान होने वाला है? सबसे अधिक भाजपा को नुकसान होता है अगर वो निर्दल लड़ जाएंगे तो। हाँ भाजपा को सबसे अधिक। कैसे ये कह सकते हैं? देखिए इसलिए क्योंकि यहाँ जातिवाद, लोग कितना करें जातिवाद है हमारे समाज में, जातिवाद है और जात के हिसाब से ही वोट पड़ता है और समीकरण भी उसी हिसाब से बनता है। अच्छा। तो उस हिसाब से भाजपा का वोट अधिक कटता है उनके फेवर में। अच्छा। धनंजय सिंह को सारे बिरादरी जितनी बिरादरी हैं सब उनको देते हैं वोट, जिसमें जो बसपा का और सपा का वोट कम कटता है उनके लिए भाजपा का वोट उनकी तरफ अधिक झुकता है। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद थे, इन्होंने अपनी राय रखी। किसी का मानना है कि धनंजय सिंह अगर किसी भी पार्टी से आएंगे तो निश्चित ही वो चुनाव में जीत दर्ज करेंगे, और कई लोगों का मानना है कि अगर वो निर्दल आते हैं तो कहीं ना कहीं इससे भाजपा को नुकसान होने वाला है। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजतंत्र टीवी।